अक्षय शिंदे, ये नाम महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं में है। कारण है अक्षय शिंदे का एनकाउंटर। महाराष्ट्र के बदलापुर में केजी में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों से शारीरिक शोषण के मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। कई लोग ऐसे हैं जो इस एनकाउंटर का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसे लेकर पुलिस से तीखे सवाल पूछे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा और दुष्कर्म जैसे मामलों में सख्ती से निपटने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप वाली सरकार ने निर्भया एक्ट लेकर आई थी, आज वही कांग्रेस अब इस घटना पर सवाल क्यों उठा रही है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश शर्मा। बदलापुर एनकाउंटर मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से तीखे सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आरोपी के सिर पर गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहां चलानी है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस को हाथ या पैर में गोली चलानी चाहिए थी। इसके साथ साथ सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि पीछे चार पुलिस वाले थे, फिर कैसे संभव है कि वो एक कमजोर आदमी को काबू नहीं कर पाए, वो भी गाड़ी के पिछले हिस्से में। आरोपी के आगे दो पुलिस वाले और बगल में दो पुलिस वाले थे, ऐसे में वो कैसे भाग निकला। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम बताया है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे गलत करार दिया है। अब कांग्रेस इस पर सवाल क्यों उठा रही है, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बदलापुर एनकाउंटर के बाद ना सिर्फ शारीरिक शोषण का शिकार हुई दो बच्चियों के घर वाले खुश है, बल्कि पूरे बदलापुर में खुशी का माहौल है। सभी का मानना यही है कि बच्चियों से गलत काम करने वालों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उनकी मौत के साथ इस मामले में सही इंसाफ हुआ है। इतना ही नहीं, शहर में तो पटाखे तक फोड़े गए। जब सब लोग खुश है तो कांग्रेस परेशान क्यों? कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव है। साल 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। बच्चों से यौन शोषण के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए बेहद सख्त पॉक्सो एक्ट बनाया गया, जिसमें दोषी के लिए उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान किया गया। कांग्रेस पार्टी अक्सर इस कानून को बनाने का श्रेय लेती है और लेना भी चाहिए, क्योंकि कानून कड़े होने से ही आरोपियों के हौसले पस्त होते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को राज्य में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव सामने दिख रहे हैं। ऐसे में उन्हें पता है कि इस एनकाउंटर के बाद लोगों के मन में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सहानुभूति बढ़ेगी। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल अगर महाराष्ट्र में फेमस हुआ तो सीधे तौर पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की हार होगी। महाराष्ट्र के अगर ताजा राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो इस वक्त वहां खिचड़ी पकी हुई है। शिवसेना एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, महाविकास आघाड़ी की सूरत बदल चुकी है और जो पहले साथ में थे अब वे विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगे। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन सीएम पद को लेकर दोनों पार्टियों में तकरार हो गई। उद्धव ठाकरे सीएम पद से नीचे मानने को तैयार नहीं थे और बीजेपी ये मांग मानने को तैयार नहीं थी। कारण, उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ दिया और शिवसेना की विचारधारा से इतर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद उद्धव अपनों से ही घिर गए, जिसके कारण ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट अलग हो गया और उन्होंने जून 2022 में बीजेपी के समर्थन से नई सरकार का गठन किया। शिवसेना के बाद शरद पवार की एनसीपी में भी फूट पड़ गई। अजीत पवार गुट भी एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गया। मौजूदा वक्त में एक तरफ कांग्रेस के साथ शिवसेना का उद्धव और एनसीपी का शरद पवार गुट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ शिवसेना का एकनाथ शिंदे और एनसीपी का अजीत गुट है। कांग्रेस ये मुद्दा बना रही है कि बीजेपी दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर सत्ता तक पहुंचने में लगी है।
ऐसे में बदलापुर एनकाउंटर हवा का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस बदलापुर एनकाउंटर को लेकर शिंदे सरकार पर हमलावर है। ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात। पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस वो हमला कर रहा था। देखिए, इनकाउंटर किसका होता है? इनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, इनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों का होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश कर की गई, और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी गई है? तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर मामला है, और ख़ासकर जब हमारे मुख्य न्यायाधीश उसी समय मुंबई में थे, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटना, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुओ मोटो कॉग्निशन लेके इस पूरी जांच को अपने हाथों में लेना चाहिए। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उद्धव गुट वाली शिवसेना भी सरकार को घेर रही है। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि बदलापुर में जो हुआ वो न सिर्फ इंसानियत के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ था बल्कि सरकार की नाकामी भी थी। 3 साल के बच्चे की मां को FIR के लिए 7 दिन तक थाने आना पड़ा। जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो लाठीचार्ज किया गया। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से राज्य सरकार की नाकामी थी, लेकिन कल जो हुआ उसे चाहे आप एनकाउंटर कहो, किलिंग कहो या सुसाइड कहो, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक आपटे को बचाने के लिए एक शिंदे को मार दिया गया। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है और कोर्ट ने पुलिस को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसे में एनकाउंटर सही था या गलत था, इसका तो फैसला कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। फिलहाल विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां तो अपनी रोटियां सेकेंगी ही। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।